हाँ तो उसके पास पैसा है ना, जिसके पास पैसा होगा सरकार उसी की बनेगी ना। मैं खुद एक कंपनी में काम करता था, नोटबंदी हुई मुझे इंक्रीमेंट हमारा नहीं हुआ, कोरोना आया 2-3 साल इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यहाँ तक कि लोगों को निकाल दिया गया कंपनी से, छटनी की गई। जिले का विकास होता है तो मीडिया का पूरा चैनल कोई चैनल खरीदे 80% चैनल तो उन्होंने खरीद लिया है। पकौड़ा बेचने का जो रोजगार मिला है, कोई आदमी अपने बच्चे के ऊपर 10-15 लाख रुपए खर्च कर रहा है, उसके बाद जो है उसको पकौड़ा बेचना है, मूँगफली बेचना है। आडवाणी जी को उठाकर किनारे कर दिया इन्होंने। क्यों कर दिया भाई? इसलिए कि मोदी 4 साल गुजरात के 3 साल मुख्यमंत्री थे, उनके पास पैसा ज़्यादा था। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, या प्रतापगढ़ का सदर विधानसभा है और महकनी गांव है। क्यों अंकल जी? तो हम यहां पे जानेंगे कि यहां पर कितना विकास हुआ है, यहां पे जो वर्तमान सरकार है उससे कितना लोग खुश हैं, महंगाई पर लोगों का क्या राय है। अंकल जी आप बताइए कि यहां पे विधायक ने कितना काम काज किया? विधायक ने कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया है। ये जो बीजेपी सरकार है, महंगाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? भरपूर महंगाई बढ़ती चली जा रही, चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल की कीमत देख लीजिए, सरसों के तेल की कीमत देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, सब पर जो है हाई उसमें चल रहा है। GST पेट्रोल डीजल और पेट्रोल में क्यों नहीं लाते हैं? इससे कि सस्ता हो जाएगा, इनकी आय बंद हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएंगी। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका 20% जो है फायदा हो गया है, लेकिन जो छोटे उद्योगपति हैं उनका एकदम धरातल में चले गए हैं। GST हुई, नोटबंदी हुई, कोरोना हुआ। कोरोना में फायदा अडानी अंबानी रिलायंस का जो है कितना गुना बढ़ गया, लेकिन छोटे कर्मचारियों को सब डाउन हो गया है ना, वो तो एकदम रोड पर आ गए हैं। ये बताइए रोजगार मिला है कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। पकौड़ा बेचने का जो है रोजगार मिला है, कोई आदमी अपने बच्चे के ऊपर 10-15 लाख रुपए खर्च कर रहा है, उसके बाद जो है उसको पकौड़ा बेचना है, मूँगफली बेचना है। मंत्री मोदी तो कहते हैं रोजगार है पकौड़ा, उनके हिसाब से रोजगार है, लेकिन जो बड़ा टैलेंटेड आदमी है उसके हिसाब से रोजगार नहीं है। जो उस टैलेंट में है उसके लिए रोजगार नहीं है। ये फ्री में बांट रहे हैं गेहूं चावल जो है, फ्री दे रहे हैं और टैक्स बराबर ले रहे हैं। टैक्स लेकर क्यों फ्री में दे रहे हैं? जो फ्री में दे रहे हैं वही रोजगार में लगा दें, इसको क्यों नहीं करते हैं? एक भी मिल इंडस्ट्री उन्होंने नहीं लगाया, जितनी मिल इंडस्ट्रियाँ चल रहे हैं उसको बंद करने पर तुले हों। एक इंडस्ट्री किसी भी जिले में लगती है तो जिले का विकास होता है। तो मीडिया का पूरा चैनल कोई चैनल खरीदे 80% चैनल तो उन्होंने खरीद लिया है, और कोई भी न्यूज़ चैनल खोलिए केवल इनका गुणगान ही करते नजर आते हैं। मोटिवेट करना इनका काम है, बेवकूफ बनाना इनका काम है। चौथा स्तंभ है, कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। बिल्कुल भरपूर भाग रहा है, भरपूर भाग रहा है। अच्छा, ये इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो जो है किसी भी बने, लेकिन कांग्रेस की जो है ज्यादा बेटर सरकार थी। पर जो है परिवारवाद पर घेरते हैं, कहते हैं कि जो होते हैं गांधी परिवार से उनको बनाया जाए, परिवार से कोई मतलब ही नहीं है। ये परिवारवाद ने लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, दो के स्तंभ जो है भाजपा को खड़ा किया है। आडवाणी जी को उठाकर किनारे कर दिया इन्होंने। क्यों कर दिया भाई? इसलिए कि मोदी 4 साल गुजरात के 3 साल मुख्यमंत्री थे, उनके पास पैसा ज्यादा था। एस अडानी जो है कि भागने में पैसा का सहयोग किए हैं, आप बताइए, यही कारण हुआ ना। इनका जो है कि 20-25% जो है बढ़ गया जो है, कोरोना काल में भी फायदा हुआ है, टर्नओवर फायदा हुआ है। किसान जो यहाँ पे हैं गांव में, तो क्या लगता है कि किसानों को सहूलियत मिल रही है? क्या मिल रही है? कुछ तो नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रही है। 18-19 रुपए के किलो जो है कुंटल धान की फसल है, लेकिन आढ़त पर लिया नहीं जा रहा है। बिचौलिए इनकी जा करके वही लेकर के 12-13 मांगते हैं, 19 में तो उनका धान खरीद लिया जाता है, किसान का नहीं खरीदा जाता है। जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं कि आवारा पशु घूम रहे हैं खेतों में, तो यहाँ क्या कुछ है आपके गांव? ये मोदी योगी की देन है, एक भी फसल होने नहीं पाती है। सब गाय सांड आकर के छुट्टा जो है चढ़ जा, नीलगाय गाय जितना छुट्टा जानवर है पूरा नुकसान करके कोई फसल खेती करना ही बंद कर दिए हैं लोग। सरकार तो दावा करते है गौशाला खुला है, नाम मात्र के उनके बता तो रहे मीडिया में इस प्रकार से डाल दिए हैं कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। धरातल पे कुछ दिख नहीं है। कुछ भी दिख नहीं रहा है। अच्छा, और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, क्या नाम भैया? अभिषेक मिश्रा। आप बताइए इस बार क्या माहौल है?
माहौल है बीजेपी से सब परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल के दाम देख रहे हैं आप, तेल का दाम देख रहे हैं, सरसों का तेल देख लीजिए, खाने गैस सिलेंडर देख लीजिए, तो हर चीज़ इस समय महंगा है। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है सबकी आय बढ़ा रही है। कहाँ आय बढ़ रही, मैं खुद एक कंपनी में काम करता था, नोटबंदी हुई मुझे इंक्रीमेंट हमारा नहीं हुआ, कोरोना आया 2-3 साल इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यहाँ तक कि लोगों को निकाल दिया गया कंपनी से, छटनी की गई, तो इस तरीके का है कि जो है कहाँ हुआ है, हमें तो नहीं लग रहा है कहीं। मतलब कोरोना काल का एक ऐसा दौर आया, सबको नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही, नौकरी बिल्कुल नहीं मिल रही। कहाँ है, आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो कहीं भी जो है भर्ती हो ही नहीं रही, सिर्फ एग्जाम ही एग्जाम हो रहे हैं, टेट हो रहा है, सुपर टेट हो रहा है, लेकिन भर्ती जो है धरातल पे कहीं नहीं हो रही, भर्ती नहीं हो, सिर्फ जो है एग्जाम लिए जा रहे हैं फीस। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं और योगी जी भी कहते हैं कि 4 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया है, कहाँ है वो 4 करोड़ युवा, कहाँ है आप बताइए, हमको तो कोई दिख नहीं रहा, हमारे पूरे गांव में आप बात कर लीजिए जहाँ हम देख रहे हैं, हमको तो नहीं मिला कोई जिसको रोजगार मिला हो, किसी को नहीं, कोई नहीं दिख रहा ना, कोई नहीं। विधायक विधायक ने कुछ काम वाम किया, विधायक जो है यहाँ कभी आए नहीं है, और काम आप रोड देख लीजिए यहाँ के, और आगे भी आपने देखा आते समय वो भी टूटे हुए पड़े हैं, और जो भी पैसा आता है वो जो है महानुभाव लोग जो हमारे ठेकेदार हैं वो खा लेते हैं, और उसके ऊपर तक नेता खा लेते हैं, तो जो थोड़ा बहुत बचा होता है उसमें सिर्फ जो है लीपा पोती होती है, लीपा पोती होती है। जी जी, यहाँ क्या स्थिति है, जो आवारा पशु वशु, क्या आवारा पशु आप खेत में देखिए, हर जगह जो है हमारे खुद के खेत हैं, हर जगह जो है हमने 20,000 लगा के जो है घिरवाया है तार से, और उसमें भी गवर्नमेंट ने नया नियम लाया कि जो ये घेरे हैं उनका जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो हम खेती कैसे करें। सरकार कहती है कि राशन फ्री में दे रहे हैं और गैस सिलेंडर दे रहे हैं, क्या कुछ हम काम करना छोड़ दें, हम उनके राशन और सिलेंडर ले के खाते बैठे रहें, हमको फिर काम करने की आवश्यकता है नहीं, तो हम बार किसकी सरकार बनाएंगे। अब सरकार जो भी बने जो काम करे, और फिर भी आपका व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत राय हमारी बीजेपी तो नहीं, बीजेपी बिल्कुल सपा लाएंगे, कांग्रेस लाएंगे, ऐसी पार्टी है यूं लाएंगे। अब देखिए वो तो हमारे उससे नहीं होगा, अब जो भी बनता है बीजेपी ना आए, बाकी जो है जो आए बीजेपी छोड़ के चाहे जो पार्टी चले, सपा भी थी, मायावती का भी शासन अच्छा था जी, मायावती का शासन में जो है गुंडागर्दी और पुलिस प्रशासन ये सब काफी अच्छा काम था उस समय, बाकी तो जो जनता का पैसा था वो मूर्तियों में सब लगा दी। हाँ, जातिवाद को लेकर थोड़ा सा उनके अंदर है, बाकी जो है काम उनका शासन जो है इन सब से ठीक था। जातिवाद का आरोप तो सपा में भी लगता है। हाँ, लगता है, हर पे लगता है, सभी पे लगता है, कांग्रेस जो ऐसी एक पार्टी है जिसपे अंदर सभी जाति और धर्म मेरे ख्याल से है जी। तो और कुछ लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे, राजेश मिश्रा, आप बताइए क्या माहौल है, चुनावी माहौल, भाजपा सरकार इस बार तो नहीं आएगी, भाजपा की सरकार क्या, क्यों नाराज दिख रहे हैं आप भाजपा, कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो क्या बताए, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, काम पे वोट होता है, जातिवाद पे थोड़ी होगा, विकास पे, विकास पे, विकास हुआ कि नहीं, नहीं हुआ है यहाँ, कुछ नहीं हुआ, क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ आपके क्षेत्र, अरे अब जैसे रोड बनना था रोड भी नहीं बने हैं, जो बने हैं वो भी गड्ढे में तब्दील है, योगी जी कह रहे थे हमने तो सारे गड्ढे का एक डेडलाइन भी आई थी कि उस दौरान भर दिया जाएगा गड्ढे, डेडलाइन खत्म हो गई, गड्ढे वैसे हैं, अच्छा पैसा खा लिए ठेकेदार सब, विकास उकास हुआ नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है भैया आपका, आप बताइए क्या माहौल है, माहौल है ठीक है, अपना जो है भाई जो सरकार है ठीक है, चल रहा है सरकार ठीक है, ठीक है और क्या, किसकी सरकार बनाएंगे, सरकार तो मान लीजिए कि अभी जो है फिर से वही बन जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी सरकार ही बनेगी, हाँ बन जाएगी, अच्छा लोग तो महंगाई पे बेरोजगारी पर सरकार को घेर रहे हैं, तो उसके पास पैसा है ना, जिसके पास पैसा होगा सरकार उसी की बनेगी ना, और क्या, व्यंग बाढ़ छोड़ रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है भाई, पैसा है तो सरकार बनाएगी, हाँ उसमें कोई दो राय नहीं, बाकी पार्टियों के पास पैसा नहीं, हमारे यहाँ ये क्या कहते हैं सड़क बनी हुई थी कागज में, अच्छा। हमने निकलवाया कागज, उसका पेमेंट तो हो गया था लेकिन सड़क बनी नहीं, मतलब कागजों में ये जो जिस सड़क पे खड़े हैं ये नहीं सर, ये नहीं, इसके सामने जो काली सड़क है उस सड़क का बरसात के बाद पैसा तो निकल गया, लेकिन एक एक गिट्टी, मतलब एक आठ डंफर गिट्टी के बाद जाने दीजिए, एक गिट्टी रोड पे गिरी नहीं, और ठेकेदार आया हमारे यहाँ जेई साहब ने, PWD के जेई साहब ने पैसा निकलवा के अपने बच्चों कहीं व्यवस्था किए होंगे,
सरकार तो कह रही जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं। नहीं कर तो रही है, मैं भी कह रहा हूँ ना भाई, एक डंपर गिट्टी नहीं आई, पूरा पैसा निकल गया, तो कर तो रही है ना कहा। अच्छा आप बहुत अच्छा व्यंग बार जोड़ रहे हैं। आप बताइए तब क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? मतलब सरकार तो उन्हीं की बनेगी भाई, एक आप जान लीजिए, पैसे का जमाना चल रहा है, जिसके पास पैसा जिसके पास लाठी उसी की भैंस। सरकार तो बनेगी, उसमें दो राय नहीं है। विधायक विधायक काम हम किए? विधायक तो हमारे यहाँ ठीक है, एक प्रधान थे, अब भगवान उनको क्या कहते हैं, इतना अच्छा वो करें कि विधायक हो कि भाई किसी को आप जमीन से उठा के आसमान पर बिठा देंगे और उसको पता कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेगा वो बताइए। तो उसके समय में जो आ रहा है कर रहा है भाई, प्रधान था, मोटरसाइकिल चलता था हमारा विधायक, अब एक आध दो स्कॉर्पियो ले लिया, बढ़िया चलता है भाई, क्या करिए, उसके भी बच्चों चेहंग नहीं है, अपना व्यवस्था इसी विकास कर रहे हैं, जो जनता का विकास होना चाहिए था उन्हें बच्चों का विकास कर रहे हैं, जनता क्या विकास करेंगे, ठीक है जनता वोट दे दिया काम खत्म। और क्या, और कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हाँ हमारे यहाँ विधायक तो बहुत ही गंदा है, लेकिन हमारे सांसद जी बहुत बढ़िया है। क्या करते हैं सांसद जी? आप समझ लीजिए कि बहुत विकास कर रहे हैं, वास्तव में उसमें कोई कहना नहीं है। क्या किए हैं एक बार बता दीजिए? सांसद जी क्या नहीं कर रहे हैं एक बार बता दीजिए, क्या क्या उनकी आप समझिए, उनकी बनाई रोडों को आपको दिखाएंगे हम, वो उनके खुद क्या कहते हैं प्रतिनिधि और वो सब जाके रोड का मानक तक चेक करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सांसद जी हमारे, दोबारा जीते, उनके उनके भाई को विधायक बना जाए, एक नंबर के हैं वो, उनके भाई दिनेश जी को बहुत बढ़िया है, उनको टिकट दिया जाए और चुनाव जीते हैं, बहुत बढ़िया है। अच्छा ये उनका का राजा भैया का वर्चस्व है प्रतापगढ़ में कुछ है? ये है क्यों नहीं है, ए राजा है प्रतापगढ़ के, वर्चस्व क्यों नहीं रहेगा, चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ से भी जीत जाएंगे सदर से, एकदम एक लाख वोट चुनाव जीतेंगे। हाँ हाँ और कुछ लोग हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अंकल जी? अरुण कुमार मिश्रा। ये कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र? अब विकास तो भैया तब पहले से हुआ है, विकास यहाँ क्या होगा, सब कुछ पहले हुआ है। योगी और मोदी सरकार के बारे में क्या कहना है? इसमें महंगाई ज्यादा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, और हर चीज महंगा है, क्या डीजल गैस सिलेंडर महंगा है, गरीब आदमी भरा नहीं पा रहा है, तो दिक्कत तो ज्यादा है ये लोगों को। किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार तो बनाने के लिए तो मान लीजिए हम लोग कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस तो परिवारवाद पे चलती है। तो कौन नहीं परिवारवाद चलता है, तो सारी पार्टियां अपना परिवार जोड़ ली हैं, परिवार तो सारा पार्टियां जोड़ी हुई है ना। ये जो खेतों में आवारा पशु घूमते हैं, क्या यहाँ स्थिति ठीक है? नहीं नहीं भैया सब खा लेता है, सारी रात रखा हुआ, क्या देखा था चारों कदर रूना बाना बात, पेड़ लगा दिन जाता है, अब खेती नहीं होता यहाँ, कोई खेती नहीं हो रही यहाँ। कांग्रेस की सरकार? नहीं वोट तो कांग्रेस को देंगे, बनाए कोई अपना, हाँ वोट तो देंगे नहीं को। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई से परेशान है, इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, प्रतापगढ़।